दैट किड्स आर हियर इन स्कूल फॉर समर कैंप. समर कैंप एक ऐसी एक्टिविटी जिससे बच्चे फिर से स्कूल को रिकनेक्ट कर सकते हैं, और मैं पूरे के पूरे मैनेजमेंट और स्कूल को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बच्चों को दिया और इस तरीके की वर्कशीट्स प्लान की कि बच्चे अच्छी तरीके से राइटिंग को और इंटेलेक्चुअल सारी एक्टिविटीज़ को अच्छे से समझ सकें. मेरा संविधान सिंह यादव ने राइटिंग में और वैदिक मैथ्स में पार्टिसिपेट किया है, और यशस्वी यादव ने क्रिकेट में और ड्राइंग में पार्टिसिपेट किया है. दोनों ने बहुत अच्छा सीखा है इस स्कूल से, और अभी काफ़ी टाइम से स्कूल में है. स्कूल भी बहुत अच्छा है, और हमें तो अपने बच्चों में बहुत कुछ अच्छा लगा. मेरे बेटे ने अभी समर कैंप हुआ है, वर्जिन मिडिल स्कूल ने इसको ऑर्गेनाइज किया था, उसमें इसने पार्टिसिपेट किया है, और मैं काफ़ी संतुष्ट हूँ. काफ़ी सारी नई नई एक्टिविटीज़ कराई है स्कूल वालों ने समर कैंप में. डेली मुझे नोटिफिकेशन भी आते थे स्कूल की तरफ से, डेली क्या करवाया गया है, और ये पूरा समर कैंप से मैं काफ़ी खुश हूँ और काफ़ी संतुष्ट हूँ. I have not enrolled my child in this school, but after attending this summer camp, I will definitely enroll my child to this school only. What I feel that the summer camp organized by BMS is one of the good program. It must be organized on a regular basis for the overall developments of the children. And though my child Mr. Ayush was not comfortable with school earlier, he was not interested to go to school, but after joining this camp he is very much eager to join the school. He always asked me papa, now I want to go to school. Even Sunday he also asked me papa, I have to go to school. So the camp organized by BMS is one of the good program, and I thanks all the teachers, school staff and the coordinator teams. मेरे बालक ने समर कैंप में पार्टिसिपेट किया है, जिसमें उसकी कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट में उसने आयोजन भाग लिया था, जिससे उसकी 15 से 20 दिनों के अंदर उसकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन में बहुत सुधार हुआ है. इस टाइप के आयोजन स्कूल को निरंतर करते रहना चाहिए, जिससे बच्चे के बड़े मंच पे जाने में बहुत सहयोग प्रदान होता है और आगे उसके भविष्य के लिए सुधार. थैंक यू फॉर द सपोर्टिंग माय चिल्ड्रन एंड विद इम्प्रूव टू मच राइटिंग एंड ड्राइंग एंड एटिकेट मैनर टू ना ग्रीटिंग, एंड कभी भी उसने ना आज तक नमस्ते नहीं किया था, एंड जब भी मिलता है किसी को तो वो बोलता है नमस्ते. रियली मैड टीचर्स टू मच सपोर्टिंग एंड बहुत अच्छा लगा मुझे समझ में बीच का, और बहुत टू मच इम्प्रूव मेरे लिए गौरी शर्मा अभी 3.5 साल की उसने स्टार्ट ही किया समर कैंप से. अच्छा लगा मुझे, पहले शुरू में एक दो दिन ही थोड़ा सा नाटक कर रही थी, बाकी बाद में थोड़े टाइम बाद बहुत अच्छा लगा उसको. खुद से ही मॉर्निंग में जल्दी उठने के बाद स्कूल आने के लिए जिद कर दी. दिन स्टार्ट किया था बहुत अच्छा है, स्कूल का जो बहुत अच्छा. ज्वाइनिंग कैंप अटेंड मैंने देखा इसके 20 डेज समर कैंप जो था, इसमें काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ. इसकी राइटिंग पहले काफ़ी पुअर थी, और जब से इसने समर कैंप ज्वाइनिंग किया 20 डे में मैंने देखा कि इसके समर कैंप पे और राइटिंग बहुत ही अच्छा इसने किया. फिर और ड्रॉइंग पे भी इसने काफ़ी इंजॉय किया, ड्रॉइंग भी काफ़ी अच्छा इसने किया, और इसके स्पीकिंग में भी इसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ. बैडमिंटन ने फन ले लिया है उसमें, उसे बहुत ज़्यादा अच्छे से खेलना सीखा है उसको बनाकर. और तो इसके पहले एक्सपीरियंस ही था कि बस बैडमिंटन किस तरह से खेला जाता है क्या, पर यहाँ पर जब महिमा मैडम ने उसको बताया उसने बहुत अच्छे से खेला, और बहुत ही अच्छा उसको बैडमिंटन के बारे में वो पता चला कि हाँ किस तरह से अपने खेलना है. मेरी बेटी पहले पढ़ने में बहुत ज़्यादा वीक थी, बट अब वो बहुत अच्छा पढ़ लेती है, लिख लेती है, उसमें जनरल नॉलेज भी बहुत अच्छे से आया. ये वर्जन मेरी स्कूल की हेल्प के द्वारा हुआ. दोनों ने बहुत ही अच्छा यहाँ पे कवर करा. वशिष्ठ ने तो टेबल मिस कभी करा भी नहीं था, उसके बाद भी उसने बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दिया उसने. और जो मेरे बेटे ने इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करा उसे भी बहुत ही अच्छा यहाँ पर लगा, और उसने बहुत ही मतलब हद तक सीखने की कोशिश करी.
तो मैं चाहती हूँ इसी प्रकार के समर कैंप यहाँ पर होते रहे और बच्चे यहाँ कुछ अच्छा सीखते रहें।